जय भीम साथियों। साथियों, मुझे लाइव इसलिए आना पड़ा कि कल मैं बहन जी से मिल के आया हूँ उत्तर प्रदेश में, बहन कुमारी मायावती से, जो बसपा सुप्रीमो है। और बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा, जो बहन जी के लोग लिए जो लोग अफवाहें फैलाते हैं कि ये होता है जी वहाँ वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहन जी से बढ़िया नेता पूरे देश में बहुजन समाज के लिए कोई नहीं। और ये देखिए, आज आम आदमी पार्टी कि ये सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं सौरभ भारद्वाज जी, ये मुझे एक नोटिस भेजते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मुझे नोटिस भेजते हैं। और इस नोटिस का मतलब ये है, इन्होंने एक पटिशन डाली है विधानसभा अध्यक्ष के पास, और ये इसमें ये कहते हैं कि संदीप जो विधायक है आम आदमी पार्टी से, वो अरविंद केजरीवाल को नेता नहीं मानता, आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी नहीं मानता, वो बहन कुमारी मायावती को नेता मानता है, बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के जो सौरभ भारद्वाज जी हैं या अरविंद केजरीवाल हैं या जो और भी लोग हैं, ये जो पार्टियां चाहे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन पार्टियों में बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं है। अगर कोई है तो बताओ। मैं उदाहरण बैठा हूँ आपके सामने, हमारे ऊपर एक आरोप लगा, इन्होंने 2 मिनट लगाया हमें पार्टी से निष्कासित करने में, कोई बात नहीं निकाल दिया। लेकिन वही आरोप महेंद्र यादव, महेंद्र गोयल के खिलाफ लगता है जो बढ़िया है, केजरीवाल कुछ नहीं बोलता। एक आरोप जितेंद्र तोमर के ऊपर लगता है जो झूठी डिग्री के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगा था, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलता। एक मुसलमान पे आरोप लगता है असीम अहमद खान पे, अरविंद केजरीवाल 2 मिनट लगाते हैं। तो ये क्या मानसिकता है। और आपको एक बात याद होगी, जब हम मंत्री थे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया था, उसके बाद हमने बाबा साहब का जन्मदिन बहुत बड़े पैमाने पे मनाया, और उसी जन्मदिन पे जब हम मना रहे थे, केजरीवाल जी ने एक बात कही थी कि भाई बीजेपी वाला तुम सावरकर को पढ़ाओ, हम अम्बेडकर को पढ़ाएंगे। अगर सौरभ भारद्वाज जानता है या अरविंद केजरीवाल जानता है किस स्कूल में दिल्ली के बाबा साहब का सिलेबस लागू, मुझे बता दें। सिलेबस तो छोड़िए, दूर की बात है, इन्होंने बाबा साहब का जन्मदिन तक नहीं मनाया, है ना। मेरे से प्रॉब्लम ये है इनको कि मैं विचारधारा का व्यक्ति, है ना, और विचारधारा हमारे अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की है, मान्यवर साहब काशीराम की है, और अब जो हमारे तत्कालीन नेता है बहन कुमारी मायावती की भी वही विचारधारा है, है ना। इनको दिक्कत अम्बेडकर बात से है, संदीप कुमार से नहीं है। जब से हमने बाबा साहब की बात करनी शुरू की है, जब से हमने मिशन की बात शुरू की है, जब से मूवमेंट की बात शुरू की है, इन लोगों के पेट में मरोड़े लग गए, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो गया। अभी थोड़े से दिन पहले हमने एक प्रदर्शन किया था केजरीवाल के खिलाफ सचिवालय में, वो इसलिए किया था कि हमारे बाबा साहब के नाम से जमीन थी अम्बेडकर विद्यापीठ के नाम, उस पर कब्जा किया जा रहा था केजरीवाल की सरकार के द्वारा। जब हम सरकार में किस लिए जाते हैं, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, हम रिजर्व सीट पर जीत के आए हैं, बाबा साहब ने प्रावधान दिया, हम आज विधायक हैं तो अरविंद केजरीवाल की वजह से नहीं है, हम बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये पद बहुत छोटी बात है, इस पद के लात मारने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। और वो कान खोल के सुन ले सारे के सारे आम आदमी पार्टी के जितने भी ये जो नेता समझते हैं अपने आप को, चाहे वो राष्ट्रीय तुम्हारे प्रवक्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, जिनकी औकात ही कुछ नहीं राजनीति में। कहना चाहता हूं मैं, अगर इतनी औकात है, इतना दम है, तो कहो अरविंद केजरीवाल से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वो कहे कि संदीप कुमार मेरी वजह से विधायक बना है, मैं सीएम अपने बलबूते बना हूं। वो कहे कि दिल्ली की सरकार अपने बलबूते बनी है, और ये कहे कि अम्बेडकर का इसमें कोई योगदान नहीं है, बाबा साहब का ये कहे कि कोई योगदान नहीं है डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने में। अरे अगर आज तुम सीएम हो ना, और सौरभ भारद्वाज जी आप सेक्रेटरी हो इस पार्टी में, तो ये डेमोक्रेसी हमारे बाप की देन है, बाबा साहब अम्बेडकर की। केजरीवाल से कहो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि संदीप कुमार मेरी वजह से विधायक है और अम्बेडकर की वजह से विधायक नहीं है, तो मैं उसके मुंह पे इस्तीफा फेंक के मारूंगा, पकड़ अपनी पार्टी का ये सब कुछ। लेकिन अगर इतनी औकात नहीं है दिल्ली में, और इसका जवाब भी देंगे हम लोग, इस नोटिस का जवाब देंगे, है ना, दिल्ली के इलेक्शन में देंगे और तुम्हें दिखाएंगे, है ना। अगर बहन जी का आशीर्वाद रहा तो इस केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ूंगा और मैं दिखाऊंगा तुम्हारी औकात तुम लोगों को, ठीक है ना। ये नोटिस पोटिस हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। इन्हीं लोगों ने, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, मेरे खिलाफ साजिश करी, मेरे खिलाफ तरह तरह के इन लोगों ने टांगे अड़ाने का काम किया, लेकिन जब मैं नहीं रुका तो अब ये कितनी घिनौनी हरकत में उतर आई, आप देख सकते हो।
अरे फर्क नहीं पड़ता, हमारे बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था, बहन जी ने इस्तीफा दिया राज्यसभा से, हम भी दे देंगे इस्तीफा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन पहले ये बताओ कि इस डेमोक्रेसी का, इस देश का बाप कौन है, अंबेडकर है या तुम्हारा बाप जो होगा वो है? हमारा बाप इस देश का मालिक है और इस देश में डेमोक्रेसी हमारे बाप की वजह से एस्टेब्लिश है। जय भीम। और जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जितने मूवमेंट के लोग हैं, जितने भी लोग लगे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी में और संगठनों में, सारे के सारे इस वीडियो को वायरल करो और बताओ इसको दिल्ली का एक योजना तो इससे लागू नहीं की गई। अरे ये कहता था मैं SC/ST कमीशन बनाऊंगा, कहाँ गया कमीशन? बाबा साहब को पढ़ाऊंगा, कहाँ गया बाबा साहब? सारी झूठी बातें करता अरविंद केजरीवाल। ये कहता था मेरे बच्चों की कसम कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। अरे इससे झूठा आदमी राजनीति में आज तक कोई आया? और मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि झूठा आदमी है, इस आदमी से बचने की जरूरत है दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को। ये वैकल्पिक राजनीति के लिए नहीं आया था, ये तो वैकल्पिक राजनीति जो भाजपा कांग्रेस की चलती है उसको जमा के रखना चाहता है, वैसा ही व्यक्ति है जैसे भाजपा कांग्रेस के लोग हैं। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है, ये अपने विरोधी पार्टियां हैं भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी, इनको सबक सिखाना है। सारे बहुजन समाज के लोगों इकट्ठे हो जाओ, इनको हम बताएंगे राजनीति क्या होती है। इनको दिक्कत ही जब होती है जब हम राजनीति करते हैं, हम कुत्तागिरी करते रहे, गुलामी करते रहे। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं केजरीवाल की सरकार में, दलित है, पिछड़े हैं, जो कभी बोलते ही नहीं, कुछ भी होता रहे समाज के ऊपर, कोई अत्याचार होता रहे, कुछ भी करता रहे केजरीवाल, कुछ बोलते नहीं है। तो बोलना पड़ेगा आपको। बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया संविधान सभा में जाने का, बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया MLA बनने का। किसी के बदौलत हम लोग MLA नहीं है, हम बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। और अब हाउस लगने दो, मैं बताऊंगा आपको बाबा साहब अम्बेडकर क्या है, भारद्वाज जी सारी पार्टी को तुम्हारी को मैं बताऊंगा क्या होता है अम्बेडकर बाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय साहब काशी राम, जय बहन जी, जय बहुजन समाज पार्टी। और वाकई में ही अगर महापुरुषों के मिशन को कोई आगे बढ़ा रहा है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। आज हम मिले, इतना मान सम्मान मुझे वहाँ नहीं मिला जिस पार्टी में हम मंत्री थे। आज जो सम्मान मिला, लोग बरगलाते हैं, बाहर अफवाहें फैलाते हैं कि नीचे बिठाते हैं जी, ये करते हैं जी, वो करते हैं। बहन जी के सामने बैठे थे, सोफे पर बैठे थे और अच्छे से बहन जी ने कम से कम आधा घंटा आपसे बात की और सारी जानकारी ली, परिवार के बारे में पूछा, हमारे पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में, गांव के बारे में, सब चीज़ें पूछी और दिल्ली में समाज के हालात के बारे में पूछा। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप लोग किसी के बरगलाने में ना आए, ये हमारे नेताओं के लिए, हमारे लोगों के लिए खिलाफ भड़काते हैं ये जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं। अगर वाकई में ये मिशन को अगर कोई चला सकती है तो बहुजन समाज पार्टी है पूरे देश में। आज जो बहन जी से हम मिले, हमें पूरा इससे आश्वासन और पूरा हम लोगों को लगा कि हाँ, अगर हमारा कोई नेता है, हमारी कोई फिक्र करने वाला है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। और बहन जी ने आशीर्वाद दिया है और कहा है कि संदीप भाई आराम से काम करो, ये आपके परिवार का काम है, आपका परिवार है, आपने ही समाज को मिलकर सबने आगे बढ़ाना है। मेरा सदा आप लोगों पर आशीर्वाद रहेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि अब लड़ाई शुरू कर दो, ठीक है? अब हमने बहन जी को मुख्यमंत्री, तो बहन जी चार चार बार रही हैं, इस देश की प्रधानमंत्री बनाना है अगले चुनाव में, चाहे कुछ भी हो जाए, और सारे प्रदेशों में बहन जी की सरकार बनानी है। और हमारा उद्देश्य अब दिल्ली है, 2020 में चुनाव है, दिल्ली में BSP की सरकार बनाएंगे, हरियाणा में उससे पहले बनाएंगे और फिर पंजाब में बनाएंगे और फिर देश की प्रधानमंत्री बहन जी होंगी और बनना तय है। और एक और बात कह दूं मैं, अगर इस देश की कोई प्रधानमंत्री बन सकती है तो सिर्फ बहन जी है बहुजन समाज में, और किसी की औकात भी नहीं है। सब दलाल बैठे हैं पार्टी में, चाहे अठावले हो, चाहे पासवान हो, जितने भी लोग हैं ये सब लोग दलाली कर रहे हैं। समाज का अगर कोई काम कर रहा तो बहन जी कर रही है। जय भीम, जय मानवर साहब का श्री राम, जय बहन जी, जय बहुजन समाज पार्टी। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।